तो हेलो गाइस, केरला स्टोरी बात करने वाले हैं। बॉक्स ऑफिस में डे नंबर 33 चल रहा है, कितना क्वेश्चन करती हुई नजर आ रही है। एंड मंडे में क्या ट्यूसडे को शोज इंक्रीज हुए हैं या फिर नहीं। साथ में गाइस संडे मंडे की ऑफिशियली फिगर है वो कितनी निकल के सामने है, जो कि कल मैंने बताया था संडे की फिगर है वो नहीं आई थी, अपना रिलीज ने बताया था। क्या वो ऐसा ही हुआ जितना मैंने बताया था, उससे ज्यादा उससे कम, सब कुछ डिस्कस करने वाले। उससे पहले छोटी सी बात, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ऑफिशियली फिगर्स की। तो गाइस सबसे पहले यहां पे देखो मैं तो 2 करोड़ संडे की ऑफिशियली फिगर है, जो कि कल मैंने बोला था 2.02 करोड़ के समथिंग आ सकती है, जो कि ऐसा ही हुआ है। और साथ में मंडे की इतना ये 75 लाख इस मंडे को क्रशन किया, जो कि कल मैंने बोला था शाम को 85 to 90 लाख समथिंग कर सकती है। थोड़ा ज्यादा ही ड्रॉप देखने को मिला, लगभग 63% गाइस, जो कि मैंने कई सारे वीडियोस में सभी को बता चुका। जब भी 45 से लेकर 60 के बीच में मंडे संडे को मतलब मंडे को ड्रॉप देखने को मिलता, वो एक नॉर्मल ड्रॉप नहीं होता। अगर 60 प्लस जाता है थोड़ा ज्यादा ही हो जाता, जो कि कल ऐसा हुआ भी है। नेट की ओकवाइंस थोड़ी ज्यादा ही ड्रॉप हो गई थी और इसका बनता है, अब भी देख बात करूंगा इस डोमेस्टिक नेट की, 236.87 करोड़ इसका होता है डोमेस्टिक नेट, उसमें से 2.69 इसका आया तेलुगु लैंग्वेज से, वो 279.5 280 को टच कर रहा है इसको ग्रोस, एंड वर्ल्ड वाइड में 13 करोड़, एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में अब तक 292.50 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में दी करा स्टोरी है, वो क्रशन है, वो कर चुकी है। अच्छे नंबर्स है, बिग नंबर्स है, वेट है सिर्फ 300 करोड़ पूरे वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस में, क्या ये इंटर लेगी या फिर नहीं लेगी। तो गाइस अब बात करते हैं आज की गाइस ट्यूजडे की, कितना क्वेश्चन करते हुए नजर आ रही है अपने 5th ट्यूजडे को। गाइस सबसे पहले शोज पर नजर डालते हैं, यहां पे एक थोड़ा अलग ही सीन हुआ है गाइस। आज शोज है 2342, कल थे 2027 शोज। देखो गाइस 2342 शोज, 2000 प्लस शोज में लेके लाखों में क्वेश्चन करना गाइस, इसका मतलब मूवी को जरूरत से थोड़े ज़्यादा शोज है वो मिले हैं। उसका रीज़न है कि ओप्पो साइड में अभी बॉलीवुड की कोई भी बड़ी मूवी है वो चल नहीं रही है, उसकी तो छोड़ो कोई साउथ में भी नहीं चल रही है जो हिंदी डब उसका आया हो। वो इसका बड़ा कारण है कि अभी कोई भी जो भी मूवी चल रही होगी उसको ईजिली शोज है वो मिले, और सेम यहाँ ऐसा यहाँ पर भी हुआ है। और लगभग 11% ओकुपेंसी कल थी, जो कि आज शोज भी इंक्रीज हुआ। थिएटर ओकुपेंसी पर नजर डालूँ, कल मॉर्निंग के 7:30 ही, जो कि आज लगभग 9:07 को टच कर रही है, यानी ओक्वेंसी ड्रॉप हुई है पर शोज इंक्रीज हुआ है, फिलहाल के लिए सेम ले लो। और आफ्टरनून की कल 13 थी, जो कि आज भी 13 है, सेम है। उसके बाद आफ्टर इवनिंग की 14 थी कल, जो कि आज 14.50 है। यहाँ पे थोड़ा सा जंप देखने को मिला है, शोज भी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब थोड़ा क्लशन है वो ज़्यादा आता हुआ नजर आ रहा है। एज अ कंपेयर मंडे टू ट्यूजडे थे, यहाँ पे सिटी पर नजर डालते हैं, सिटी बाई ओक्वेंसी एंड शोज पर। मुंबई 162 आई 168 है, शोज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं 12, कल भी 12 जो कि आज भी 12 है, बट शोज इंक्रीज हुए, इसका मतलब 5 to 7 जंप। एंड सी आर 206 में 14 आई 212 में 14% ओकुपेंसी सेम है गाइस। व्हाट शोज है वो इंक्रीज देखने को मिले हैं। पुणे की बात करते हैं, 70 शोज में 19 कल, आज 71 शोज में 16 है गाइस। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन है वो गिरा है शो, चाहे एक इंक्रीज हुआ हो। बेंगलोर 97 में 8 आई 99 में 9, यहां पे इंक्रीज हुआ है। हैदराबाद 25 में 12 आई 26 में 9 है गाइस, यहां पे थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। अहमदाबाद की बात करते हैं, 127 में 8 आई 135 में 9 है गाइस, यहां पे शोज भी इंक्रीज हुआ है, ओकुपेंसी भी बेटर है। एक बार ट्यूजडे नागपुर 32 में 932, फिलहाल के लिए गाइस सेम ही है, कुछ प्लेसेस में थोड़ा गिरा है तो कुछ प्लेसेस में थोड़ा इंक्रीज देखने को मिला। यानी ओवरऑल बात करूं गाइस तो यस्ट मुझे सेम आता हुआ नजर आ रहा है, यानी 75 लाख आया था मंडे को, जस्ट मुझे इतना ही आता हुआ नजर आ रहा है जस्ट आज भी ट्यूजडे को। यानी गाइस इतना करती है तो एक बड़ी बात होती है कि मंडे वाले ट्यूजडे को 0% ड्रॉप। फिलहाल के लिए ये कल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा ऑफिशियली फिगर के लिए, लेकिन बड़ी बात होगी अगर ऐसा करती है गाइस। अगर ऐसा करती है तो उसका कितना हो जाएगा, देखो गाइस डोमेस्टिक नेट अभी यहाँ पे देखो तो 236 तो समथिंग हो ही चुका है, तो लगभग 237-238 को टच करी होगी, क्योंकि अभी 236.87 लगभग 237 तो हो ही चुका है, लगभग 238 को ये टच कर रही होगी अपने फर्स्ट 33 डेज में। मैंने बोला था एक हफ्ता पहले, लगभग 10 दिन पहले कि 240 को फिनिश करेगी डोमेस्टिक नेट, वर्ल्ड वाइड में 300 को टच कर सकती है, बट अभी भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी गाइस आप सभी ने अपना ओपिनियन बताना कमेंट सेक्शन में, ये कितना करते हुए नजर आए। बाकी मैंने बताया था महज इतने छोटे से बजट से मूवी 200 करोड़ डोमेस्टिक गई है और 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड में जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कश्मीर फाइल्स के बाद। तो बाकी सब दिख रहे तो इतना ही है, बाकी छोटे से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। बाकी गाइस हर मूवी की बॉक्स ऑफिस क्वेश्चन रिपोर्ट होगी, डे वाइज एडवांस की रिपोर्ट होगी, एंड आने वाले कुछ नए नए अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट 2 मारो को, तब तक के लिए